हेलो फोर्थ क्लास, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रेजेंटेड बाय एएमएम पब्लिक स्कूल। आज आपको कंप्यूटर का टर्न है तो निकालिए अपनी कंप्यूटर की बुक ई कनेक्टर, हम पढ़ेंगे इसका चैप्टर नंबर 3। सो फोर्थ क्लास पेज नंबर 25 पर आपका चैप्टर नंबर 3 है वर्किंग विद फाइल्स एंड फोल्डर्स। आज हम बच्चों पढ़ेंगे कि फाइल्स और फोल्डर्स क्या होते हैं और कैसे हम उन पर वर्क करते हैं, कैसे हम उनको ओपन करेंगे, कैसे डिलीट करेंगे, सारी चीजें हम फाइल और फोल्डर के बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो बच्चों जिस तरीके से हमारी नोटबुक होती है, हमारी फाइल भी उसी तरीके से होती है। जो हम एक काम पूरा कंप्लीट करते हैं और उसका एक उसे बंद कर देते हैं तो वो हमारी फाइल कहलाती है। फाइल में इमेज भी हो सकती है, टेक्स्ट भी हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है एक फाइल में। ये जो कॉमन आइकन दिख रहे हैं आपको, ये फाइल के ही है। ये टेक्स्ट फाइल है, ये इमेज फाइल है और ये कॉन्टेक्ट फाइल है। तो फाइल अलग अलग चीजों की हो सकती है। अब बच्चों फोल्डर क्या होता है? फोल्डर एक ऐसा कंटेनर है बच्चों जिसमें हम कई सारी फाइल कलेक्ट करते हैं। अब जैसे हमारी नोटबुक है, फाइल समझो आप हमारे एक चैप्टर को, एक चैप्टर हमने करा, उसे कंप्लीट कर दिया, वो एक फाइल बन गई। अब हमने कई सारे चैप्टर साइंस के जितने भी चैप्टर थे वो साइंस की नोटबुक में करे, तो जो साइंस की नोटबुक है वो फोल्डर की तरह काम कर रही है क्योंकि उसमें सारे चैप्टर्स हैं। तो इसी तरीके फोल्डर में काफी सारी फाइल्स होती हैं और जब भी हमें उसे ओपन करना है हम ओपन कर सकते हैं और जो सी भी फाइल हमें ढूंढनी है वो हम ढूंढ सकते हैं। फोल्डर्स के अंदर बच्चों सब फोल्डर भी बन सकते हैं। जैसे कि सपोज करो मैंने एक फोल्डर बनाया क्लास 6 का, अब उसके अंदर मैंने सब फोल्डर बना दिए हर बच्चे का, एक रमन, एक अमन, एक शिवम, तो अलग अलग बच्चों के नाम से फोल्डर बना दिए। और फिर उन फोल्डर के अंदर उन बच्चों की फाइल है, अमन की सारी फाइल है, रमन की सारी फाइल है रमन के फोल्डर में। तो फोल्डर के अंदर जब एक और फोल्डर बन जाता है तो उसे कहते हैं सब फोल्डर, और सब फोल्डर के अंदर फिर अलग अलग फाइल होती हैं। अब बच्चों बात करते हैं कंप्यूटर विंडो की। जब हम कंप्यूटर विंडो ओपन करते हैं तो हमें वो कैसे ओपन होगी, हमारा जो स्क्रीन होती है उस पर एक ऑप्शन आता है बच्चों कंप्यूटर। आपकी बुक में यहाँ ये देखिए, यहाँ देखिए, ये आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये जो ये है ऑप्शन जिसमें कंप्यूटर बना हुआ है, इस पे लिखा हुआ है नीचे कंप्यूटर, तो ये कंप्यूटर का ऑप्शन है। तो ये जब हम क्लिक करते हैं तो हम हमारा जो कंप्यूटर पैनल है, जो कंप्यूटर ऑप्शन है वो पूरा खुल जाता है। इसे हम जब हमारा ये बच्चों कंप्यूटर खुलता है, कंप्यूटर का ये, तो इसमें हमारी सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि हमारी कौन सी डिस्क में कितना स्पेस भरा हुआ है, कितना स्पेस बच रहा है। तो ये भी हमारे लिए जरूरी होती है, इससे हमें ये जानकारी मिलती है कि हम और कितना मतलब स्पेस उसमें यूज कर सकते हैं। तो ये सारे हमें इन्फॉर्मेशन देता है। अगर हम कोई और ड्राइव इसमें लगाते हैं जैसे कि पेन ड्राइव वगैरह लगाई, तो वो भी यहाँ उसका नाम शो होता है और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। अब है सेलेक्टिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। फाइल्स और फोल्डर्स जो हैं उन्हें सेलेक्ट किया कैसे जाता है? तो टू सेलेक्ट फाइल और फोल्डर क्लिक ऑन इट, जो भी फाइल या फोल्डर आपको सेलेक्ट करना है आप उस पर क्लिक करेंगे। अगर हमें जैसे एक नीचे रो है पूरी की पूरी सेलेक्ट करनी है तो हम कैसे करेंगे, जो एक फाइल है फर्स्ट आइटम उसे सेलेक्ट करेंगे और फिर होल्ड करेंगे शिफ्ट की को और जहां हमें लास्ट आइटम है हम उस पर सेलेक्ट कर देंगे। तो हमारी पूरी जो सीक्वेंस है, ऐसा तभी होता है बच्चों जब पूरी सीक्वेंस हमें सेलेक्ट करनी हो, बीच बीच में सेलेक्ट ऐसे नहीं होता। पूरी सीक्वेंस को सेलेक्ट करने के लिए ही हम पहला अपना जो सेलेक्ट करना है उसे सेलेक्ट किया, फिर शिफ्ट की दबाएंगे और फिर लास्ट को सेलेक्ट करेंगे, तो पूरी जो रो है वो सेलेक्ट हो जाती है। अब हमें अगर मतलब काफी सारे आइटम्स भी इस तरीके से हम सेलेक्ट कर सकते हैं। अब है क्रिएट अ न्यू फोल्डर। अगर हमें न्यू फोल्डर बनाना है तो हम कैसे करेंगे बच्चों, जो हमारा डेस्कटॉप होता है ब्लू वाला उस पर जाएंगे और राइट माउस का जो राइट बटन है उस पर क्लिक करेंगे। जब हम राइट क्लिक करेंगे तो उसमें ऐसा ऑप्शन आता है, ऐसे में सबसे लास्ट होता है न्यू, हम न्यू पर क्लिक करेंगे। जब न्यू पर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन आएंगे कि न्यू में आपको क्या बनाना है, फोल्डर, शॉर्टकट। तो जो भी हमें न्यू बनाना है, अगर हमें पावर पॉइंट बनाना है, तो वर्ड एमएस वर्ड का डॉक्यूमेंट बनाना है, तो ये जो भी हमें फाइल फोल्डर कुछ भी बनाना है तो उस पर हम सेलेक्ट कर देंगे तो हमारा जो न्यू फोल्डर है वो बन जाएगा। अब फॉर क्रिएटिंग अ फोल्डर इन कंप्यूटर विंडो वी शुड फॉलो दी स्टेप। कंप्यूटर विंडो में अगर फोल्डर बनाना है तो हमें कैसे करना पड़ेगा, हम कंप्यूटर विंडो जैसे भी हमने माई कंप्यूटर पर ओपन करा था ओपन करेंगे, ठीक है। क्लिक ऑन द न्यू फोल्डर बटन ऑन टूल बार, जो हमारा टूल बार है उस पर न्यू फोल्डर बटन होता है बच्चों, तो हम उस पर क्लिक करेंगे। ये ऊपर जो न्यू फोल्डर दिख रहा है और एक न्यू फोल्डर नीचे आ जाएगा, न्यू फोल्डर का नेम डाल देंगे और एंटर क्लिक कर देंगे तो हमारा फोल्डर बन के वो सेव हो जाएगा। अब बारी है रीनेमिंग फाइल और फोल्डर। अगर हमें किसी फाइल या फोल्डर का नाम पसंद नहीं आ रहा है और हमें उसे चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, हम क्या करेंगे,
जो हमारा फाइल या फोल्डर है उस पर जब हम राइट क्लिक करेंगे तो हमारे ऐसे ऑप्शंस आते हैं। ऐसे ऑप्शन में एक ऑप्शन होता है रीनेम, रीनेम मतलब नाम बदलना। हम रीनेम पर जब क्लिक करेंगे तो हम उसका नाम बदल सकते हैं, उसका नाम बदल कर हम एंटर कर देंगे तो हमारा वो जो फोल्डर है वो रीनेम हो जाएगा। नेक्स्ट है डिलीटिंग अ फाइल और फोल्डर। डिलीट करना है अगर फाइल और फोल्डर तो कैसे करेंगे, वो फोल्डर जो है ऐसे हम उस पर क्लिक करेंगे। बच्चों देखो रीनेम के जस्ट ऊपर डिलीट ऑप्शन है, तो रीनेम की जगह अगर हमें डिलीट करना है तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो डिलीट ऑप्शन है उस पर क्लिक कर देंगे और डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करते ही वो डिलीट अपने आप हो जाएगा। हम उसे डिलीट कैसे कर सकते हैं, उसे क्लिक करेंगे और हम उसे रिसाइकल, अगर वो हमारा मेन स्क्रीन पर है मेन डेस्कटॉप पर है तो हम उसे क्लिक करेंगे और बच्चों और उसे कहाँ की तरफ लेकर जाएंगे हम, रिसाइकल बिन की तरफ। तो रिसाइकल बिन की तरफ लेकर जाएंगे तो फिर वो अपने आप डिलीट हो जाएगा। तो ये भी एक डिलीट करने का तरीका है। तो बच्चों ये चैप्टर आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर बच्चों हम नेक्स्ट टर्न पर पढ़ेंगे। तब तक के लिए आपको यही रीड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर के साथ। थैंक यू।